नमस्ते छात्रों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी पहली इकाई का अंतिम लेसन अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में यहाँ पर वाणियाँ दी है, तो पहली है संत कबीर की और दूसरी है संत भक्त सूरदास की। तो सबसे पहले हम संत कबीर जी, इनकी कृति देखेंगे। पहले इनका परिचय देखेंगे कि संत कबीर, आप सभी को मालूम है कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। उनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु लगभग 1518। तो ये निश्चित नहीं है, लगभग यानी निश्चित नहीं है। इसका आधार लेके हम यहाँ पर उनका परिचय देखना है कि भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। देखो, समान न्याय कैसे होना चाहिए और मानवता कैसे हमें दिखलानी है। हमारे अंदर के जो कुछ भी बुरे हो या फिर अच्छे गुण हो, हमारे अच्छे गुणों से हमें क्या करना है, समाज में मानवता प्रेरित करनी है और बुरे गुणों का हमें बुरे गुणों से क्या करना है, छुटकारा पाना है। इनकी कृतियां देखेंगे, साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। क्या है इनके दोहे, क्या है इनकी वाणी? यह संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। जो कुछ भी सद्गुण होते हैं यानी अच्छे गुण, उसे अपनाकर क्या करना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। चलो देखेंगे, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हमारा बर्ताव रहता है, वैसे जैसा हम खाएंगे उस तरह हमारा मन होगा, और जैसा हम पानी पिएंगे तैसे हम वाणी यानी भाषा, वैसी भाषा बोलेंगे हम। यानी कि जो कुछ भी हम बाहर से भीतर ले रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके उपरोक्ष क्या हो रहा है, हमारा बर्ताव हो रहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारी भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए, दूसरों के मन जीतने वाली हमारी भाषा होनी चाहिए और दूसरे के मन को ठेस ना लगे, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। हमारे बर्ताव से, हमारी भाषा से, हमारे जो कुछ भी लैंग्वेज से, बहुत बार क्या होता है, दूसरों का दिल दुखता है। तो ये दिल ना दुखे, इसलिए हमारी भाषा कैसी चाहिए, शीतल चाहिए। दूसरों का मन कैसा करे, प्रसन्न करे, ठंडा करे, ना कि उसको गुस्सा दिलाए। अगर हम हमेशा ही एक दूसरे के दुर्गुण निकालते चले गए, दोष निकालते चले गए, तो क्या होगा, उससे हमारे भीतर का जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। अब बहुत बार आपने कैसे पी सुना होगा संत कबीर के, और टीवी में भी देखा होगा कि बहुत ही अच्छे स्वर में ये गाया गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। देखिए, मैं अगर बुरा देखने चला, जो कुछ भी बुरा दिखना चला, तो बुरा कोई नहीं मिला, क्योंकि मेरी दृष्टि क्या है, दूसरों के तरफ देखने की हमेशा सकारात्मक है, तो मुझे कोई भी नकारात्मक आदमी मिला ही नहीं, जिसका निगेटिव सेंस है वैसा मिला ही नहीं। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। और मैंने अपने भीतर में जाकर देखा तो मुझसे बुरा दूसरा कोई ही नहीं मिला। देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से यहाँ पर ये दोहे हमें पढ़ाई के लिए दिए हैं। जरूरत यकीनन इससे कुछ ना कुछ तो भी हमारे जीवन में क्या होगा, इसका फायदा होगा, और इन दोहों से हमारा जीवन सद्गुरुओं से हमें भरना है। भक्त सूरदास की क्या है, उनकी वाणी क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।